नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शुक्र सौंदर्य आनंद का ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, लग्जरी का कारक ग्रह है। शुभ शुक्र धन दौलत की वर्षा कराते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख लेकर आते हैं। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शुभ शुक्र सभी प्रकार के भौतिक व राशिक सुख देने वाले होते हैं। माँ लक्ष्मी और शुक्र का घनिष्ठ संबंध है। शुक्र धन दौलत सुख और व्यापार भी हैं और प्यार भी हैं। 30 अक्टूबर 2021 को 15:58 पर शुक्र अपनी अग्नि तत्व राशि धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दीपावली धनतेरस और अन्य शुभ त्योहारों पर क्या शुक्र करने वाले हैं, आइए जानेंगे विस्तार से आपकी राशि के बारे में। धन दौलत सुख लग्जरी और माँ लक्ष्मी के प्रिय ग्रह शुक्र का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी और का आशीर्वाद और साथ में अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद क्या नवंबर के महीने में आपकी राशि को मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें शुक्र के इस गोचर की और शुक्र का गोचर तुला राशि वालों के लिए, यानी तुला राशि आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, तो आपके लिए अष्टम भाव पर शुक्र का अधिकार होता है और जाहिर सी बात है लग्न पर भी होता है। तो इस गोचर अवधि में ये तृतीय भाव में ही गोचर होगा। तृतीय भाव मंगल का है, पराक्रम का है, शौर्य का है, तो आप इस दौरान में बहुत ही अच्छे फल पाने वाले हैं। प्यार आपके दिल में भरा होगा, परिवार को खुश करने के सारे प्रयास करेंगे, छोटे भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, मतलब आप रिस्पेक्ट करेंगे। कोई अगर आपको इस समय में दो बातें भी सुना देगा फिर भी आप झुककर एक समझदारी वाला परिचय देंगे। सामने वाला गंदा है तो आप गंदे नहीं बनेंगे। आपके मन में प्यार और सम्मान होगा, लोग इसको देखकर आपकी तारीफ करेंगे। कोई अगर आपको दो बातें भी सुना देगा तो भी आप मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। आप किसी की पैसों से मदद कर सकते हैं, दोस्त यार परिचित रिश्तेदार जो हैं वो आपसे मदद ले सकते हैं। जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर आर्ट है, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। अपने प्रियजन यानी अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने या कोई अच्छी जगह पर जा सकते हैं। फिल्म मूवी वगैरह मॉल वॉल घूमना तो होता ही रहेगा। कुछ उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं दूसरे को, एक दूसरे को खुशियां बांटेंगे आप इस समय में। जैसे कहते हैं ना, खुशियां बांटने का वक्त आ गया है, तो तुला राशि वाले सबको खुशियां बांटेंगे। कोई पैसा इतना होगा कि कोई भविष्य के लिए निवेश करेंगे। नौकरी वैकरी सब कुछ बढ़िया है इस दौरान। मन चाहा ट्रांसफर, मन चाही पदोन्नति, मन चाहा ऑफिस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। किसी शहर दूसरे नए शहर में या विदेश में जाकर सेटलमेंट चाहते हैं तो प्रयास शुरू कर दीजिए, शीघ्र सफलता मिल जाएगी। भगवान की भक्ति में मन लगेगा, परोपकार करेंगे, शास्त्रों के बारे में अपने अपने रीति रिवाजों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होगी और बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट आपका बना रहेगा अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्रोग्राम हो सकता है, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है। वाहन का सुख, गाड़ी का सुख मिलेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा और बहुत भव्य इस समय होगा। भव्य एकदम चमक धमक के साथ आपका ये स्वागत करेंगे शुक्र इस महीने में। आपके पास शब्दों की शक्ति होगी, आप अपनी बातों से अपने शब्दों की शक्ति से किसी का भी दिल जीत लेंगे, यानी जहां होंगे वहां पर लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सामने वाला आपके जवाब सुनकर ऐसे वशीभूत हो जाएगा या हो जाएगी कि आपको मन चाहा पैकेज, मन चाहा ऑफिस, मन चाही नौकरी मिल जाएगी। जहां आप जाएंगे वहां पर लोग गिर पड़ेंगे, यानी गिर पड़ेंगे का मतलब है लोग आपके काबू में आ जाएंगे, जैसे आपने कोई जादू कर दिया हो। आपकी सुंदर आवाज, सुंदर शब्द, वक्त पर सही शब्द का चुनाव करना आपकी खूबी होगा। तीसरे घर में शुक्र जब भी होते हैं तो आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं और इसके अलावा एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे मध्यस्थ भी होते हैं। जैसे दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जाके समझौता करा देंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो आप गए, आपने दोनों लोगों की बात सुनी और कोई ऐसा फैसला लिया जिससे दोनों खुश हो गए। तो किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ों में आप मध्यस्थता बहुत अच्छी करेंगे। दो पार्टियों के बीच में, दो समूहों के बीच में प्रेम का
फूल खिला देंगे। बहुत अच्छी तरीके से फैसला करने का गुण आपके अंदर आ जाएगा। यात्रा के शौकीन होंगे, छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन का सुख, बहुत अच्छे घर की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनका सुख मिलेगा। एक सुंदरता के घेरे में होंगे, जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ खुशहाली हो, हरियाली हो, ठंडी हवाएं हो और आप वहां पर खड़े हुए हों, तो ऐसा एक माहौल बनेगा। सुंदरता के बीच में रहेंगे, पास पड़ोस से रिश्ते अच्छे, नौकरी में बॉस से रिश्ते अच्छे, साथ में काम करने वालों से रिश्ते अच्छे, आते जाते लोगों से भी दुआ सलाम बढ़िया रहेगी, जिससे बात करेंगे मुस्कुरा के बात करेंगे, करीबी पड़ोस पड़ोसियों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। शुक्र यहाँ पर एक आकर्षण देता है, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। हर महिला, अगर आप पुरुष हैं तो हर महिला आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है, और अगर महिला हैं तो पुरुष भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मतलब आपका कोई ना कोई संबंध इस समय में, प्रेम संबंध नया शुरू हो सकता है। हाँ, इस शुभ लाभ का गलत लाभ मत उठाइएगा कि आप रिश्तों में हैं और कहीं और नए रिश्ते जोड़ लें, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बस एक चीज को आप याद रखिएगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी प्यार तो आपसे बहुत करेगी, अगर आप इसमें चिंता मत करिएगा, लेकिन आपके ऊपर हावी रहेगी, यानी जोरू के गुलाम आप बन सकते हैं। हाँ, अगर आपने अपने जीवन साथी को धोखा देने की कोशिश करी, अपने प्रियतम को धोखा देने की कोशिश करी, तो आपका स्वागत, आपको पता है किस तरीके से होगा। पत्नी या आपकी प्रेमिका आपको छोड़ेंगी नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना प्यार है उतनी ही फजीहत इज्जत की हो जाएगी, तो भूल के भी गलती मत करिएगा। आप साहसी होंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, एक बैल की तरीके से डुटे रहेंगे, जैसे बैल होता है ना, जब तक काम पूरा ना कर ले थकता नहीं, वैसे आप लगे रहेंगे। चोरी चमारी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत को अपने मन से निकाल दीजिएगा। महिलाओं के साथ गलत संपर्क विनाश लेकर आएगा, और महिलाओं के साथ सही संपर्क आपको दीर्घायु और अथाह धन की प्राप्ति और इस दीपावली में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर दिलाएगा। इतनी सी बात है, मेरे हिसाब से तो आपके लिए गोचर शानदार नहीं, महाशानदार है। जन्म कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति गड़बड़ है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। जन्म कुंडली में अगर सब कुछ सही है तो फिर इस शुभ समय का आनंद उठाइए। अब शुक्र को बेहतर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार ना करें, और पुरुषों के साथ महिलाएं भी ना करें। तो बस शुक्र खुश, और अपने आप को बना ठना के रखिए, खूब बढ़िया इत्र वित्र लगाइए, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनिए, लाइटिंग खूब होनी चाहिए, चमक धमक होनी चाहिए। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया से जो भी लोग जुड़े हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है दीपावली में। कहते हैं ना, एक आपने पटाखा देखा होगा, बम, जो एक इतना बड़ा होता है उसमें 50 राउंड होते हैं या 100 राउंड होते हैं, 20 राउंड होते हैं। एक बार आग लगाई और आसमान में एक ही सेकंड में एक एक जाता रहता है, और खूब बढ़िया आसमान में नज़ारे छाते रहते हैं। तो वैसे ही एक प्रयास से 20 पटाखे फटेंगे और 20 खुशियां आपको मिलेंगी। तो मनाइए दीपावली खुशियों की, बढ़िया वक्त है आपके लिए, शुक्र दे रहे हैं आपको सब कुछ, तो अब डरना किस बात का, वक्त बढ़िया आ गया है। बस अपना ख्याल रखिए, और अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है तो उसको सुधारने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको, आपके परिवार के लोगों को भी। अब एक बात मैं अंतिम आपको बताऊंगा, जो गुरु मंत्र है आज का, गुरु मंत्र ये है कि अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने सुन लिया, दिल तो खुश हो ही गया होगा, इसी खुशी में माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। बस इतना लिख दीजिए, आपकी पुकार जय माँ लक्ष्मी तक चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना भीड़ में दम होती है, तो हम सारा एक परिवार हैं, हजारों लाखों लोग लिखेंगे तो हम सबको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा, है ना। एक अकेला चिल्लाएगा तो कुछ नहीं होता, भीड़ जब एक साथ चिल्लाती है तो भगवान को भी अपने घर को छोड़कर आना पड़ता है हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। नमस्कार।